आपकी गैर हाजिरी में हमने काफी एनर्जॉन डिपॉजिट्स ढूंढ निकाले हैं लॉर्ड मेगाट्रॉन, जिनमें से ये वाला सबसे बेहतरीन है। आपको जानकर खुशी होगी कि ड्रोन्स बिना रुके वहाँ माइनिंग का काम कर रहे हैं और काफी एनर्जॉन जमा कर चुके हैं। ए सुनो, मेरे लिए एक सैंपल लेकर आओ। स्टार स्क्रीन, मैं लौट आया हूँ, इसलिए सारे हुक्म मैं ही दूंगा। जरूर दीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन, आपका वफादार गुलाम होने के नाते क्या मैं उस स्पेस ब्रिज को तैयार करूं जिससे डिसेप्टिकॉन्स की वो फौज यहां आ सके जो आपने स्पेस में पिछले 3 सालों में बनाई होगी? मेरी फौज जरूर आएगी। मुझे एक ऐसी चीज मिली जिससे वो फौज और मजबूत होगी। पूर्वजों के मुताबिक इस मैटर के सॉलिड फॉर्म को यूनिक्रॉन का ब्लड कहते हैं। जान लेवा यूनिक्रॉन, पर कहते हैं कि उसका खून हमारे स्पार्क को बुझा सकता है। ये स्पेस की गहराइयों से लाया गया है। इसकी असली ताकत है डार्क एनर्जॉन। ये भी कहते हैं कि उसमें इतनी ताकत है कि मरे हुए को जिंदा कर दे। तो फिर हमें इसे एक मुर्दे पर परखना होगा। क्या तुम इसके लिए कुर्बानी देना चाहोगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन। इसे मेरी तरफ से वापसी का तोहफा समझ लीजिए। क्योंकि तुम अब हमारे बारे में जान चुके हो, मुझे डर है कि अब तक डिसेप्टिकॉन्स तुम्हारे बारे में भी जान चुके होंगे। समझ गया, अजीब सी व्हीकल देखते ही पुलिस को कॉल कर देंगे। क्या अब हम जा सकते हैं? जैक, तुम पागल हो गए हो? मेरा बरसों पुराना सपना सच हो रहा है और मैं तुम्हें या किसी और को इसे तोड़ने नहीं दूंगी, समझे? हमारी निगरानी में रहोगे तो अच्छा रहेगा, कम से कम तब तक जब तक हमें दुश्मन के इरादों का पता न चल जाए। ऑप्टिमस, बुरा मत मानना, पर इन बच्चों की जान को यहाँ उतना ही खतरा है जितना कहीं और हो सकता है। बच्चे? इन पर कोई प्रोटेक्टिव शेल नहीं है, अगर हमारे पैर के नीचे आ गए तो ये कुचले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो रैचेट, हमें चौकन्ना रहना होगा। ये क्या है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ऊपर कोई है। एजेंट फाउलर है। मुझे लगा था सिर्फ हम ही वो इंसान हैं जो तुम्हें जानते हैं। स्पेशल एजेंट फाउलर हमें बाहरी दुनिया की जानकारी से जोड़े रखते हैं और वो कभी हमसे यूं ही मिलने नहीं आते। अच्छा होगा कि तुम इस वक्त उनसे ना ही मिलो। सेवन डैमेज्ड कार्स, 34 एक्सीडेंट्स, 3 घंटों तक ट्रैफिक जाम। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी अनजान कंपनी की मोटरसाइकिल और कार को स्पीड लिमिट्स को तोड़ते हुए कई बार पाए जाने की रिपोर्ट्स मिली हैं। तो इन इल्जामों के बारे में कुछ कहना चाहते हो प्राइम? हमने हालात को काबू में कर लिया है एजेंट फाउलर। वो लौट आए हैं, है ना? अगर तुम डिसेप्टिकॉन्स की बात कर रहे हो तो मुझे शक है कि वो कभी गए ही नहीं थे। तुम्हारा प्लैनेट उनके लिए बहुत कीमती है। फिर तो मुझे पेंटागन को इत्तला करनी होगी। मेरी बात सुनो एजेंट फाउलर, तुम्हारे पास हमसे अच्छा तो क्या, हमारे अलावा ऐसा कोई नहीं जो डिसेप्टिकॉन्स को रोक सके। ऐसा तुम्हें लगता है? हे एजेंट, पता है उस फ्रीवे पर किसी का कचूमर क्यों नहीं बना? क्योंकि टीम प्राइम जानती है कि अपनी ताकत कब और कितनी इस्तेमाल करनी है। बल्क हेड, मुझे उसकी जरूरत थी। बस करो, मिलिट्री के जुड़ने का नतीजा होगा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। शायद तुम्हें जख्मी इंसानों को देखने की आदत पड़ चुकी है एजेंट फाउलर, पर मैं ये नहीं देख सकता। तो मेहरबानी करके इन सब से निपटो प्राइम, वरना फिर मुझे ही कुछ करना होगा। ये इंसानों में इतनी अकड़ क्यों होती है? एजेंट फाउलर को अपनी दुनिया की फिक्र हो रही है बल्कहेड, और होनी भी चाहिए।
देखते हैं कि क्या इसमें इतनी ताकत है कि ये किसी में जान डाल दे। तो ये है आपका प्लान, ऑटोबॉट्स को जिंदा करना ताकि वो हम पर दोबारा हमला कर सके। ये ऑटोबॉट हुआ करता था, अब ये किसी बेअकल जानवर से कम नहीं, इसकी सोच सिर्फ हैवानियत करना जानती है। यही है स्टार स्क्रीन, जो मेरी